हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट पोर्चर में आपका स्वागत है। मैं प्रगट आपके लिए लेकर आया हूँ आज रीटच स्क्रीन। हम अपनी किसी भी पिक्चर को, फेस को कैसे क्लियर कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। वो दो तरीके से, कितने तरीके से बताऊंगा, जितना भी तरीके होते हैं जिस तरह भी हम फेस को साफ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्लगइन के थ्रू भी और मैनुअली। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर के थ्रू बताता हूँ। जैसे ये मैंने एक पिक्चर गूगल से डाउनलोड की है, तो इसके फेस पर देखो कितने पिंपल्स हैं, वो हम कैसे इसके साफ कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो सीधा ही मैं चलता हूँ अपने प्लगइन की ओर। तो प्लगइन के जरिए अगर हमने करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिल्टर में जाना होगा, यहाँ रीटच फॉर मी, ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। रीटच फॉर मी, ठीक है, इसे ओपन करना है, सिंपली ओपन करना है। इसमें अपने आप जो भी स्क्रीन फेस पर हो गए पिंपल उसे हटा देना है। ये देखिए कितना इम्प्रूव हो गया। अगर मैं कंट्रोल जेड बजाऊँ तो पहले ये ऐसे था, अब ये इससे इतना फर्क पड़ गया है, ठीक है। तो ऐसे करके उसके बाद एक सिंपली एक और प्लगइन है, वो भी हमने अप्लाई कर देना है। उसके लिए क्या करना होगा, वो भी हमारे फिल्टर में जहाँ पड़ा है, फिल्टर में ये हमारा एक प्लगइन है, इसे सिर्फ ओपन करके यहाँ सेटिंग वगैरह आप कर सकते हो, जितना भी आपने करना है, हाई करना है, लो करना है, वो सेटिंग, लेकिन डिफॉल्ट में जैसी है मैंने वैसी रहने दी है, ओके कर देना है। ये देखो स्किन कितनी स्मूथ हो गई है। तो अगर ये थोड़ा बहुत भी रह जाता है तो उसे हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं, ठीक है, दो भी और भी कितने तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। एक तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ठीक है। तो न्यू लेयर में हमने अपना ब्रश लेना है, ब्रश राइट क्लिक करके ये फर्स्ट वाला ब्रश लेना है, सॉफ्ट राउंड वाला, ये ले लेना है। तो यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेना है, कलर कौन सा करना है, ये स्किन का है, स्किन का है। जैसे जहाँ भी हमने ब्रश करना है तो उस एरिया का हमने कलर मैच कर कर ले लेना है। तो यहाँ ओपेसिटी हमने रख लेनी है 30-24, ठीक है, यहाँ 30-25, ठीक है, ठीक है। तो ब्रश को बड़ा चोकर छोटा कर कर देखो, यहाँ भी हमने वो ड्रैग करेंगे, वो हमारा उसे स्किन पर ऐसे स्किन साफ होती जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। एक चीज का ख्याल रखना है, अगर हमने स्किन के कहीं और ये है, मैंने यहाँ करना है ना, तो यहाँ देखो उसके वो कलर का फर्क बड़ा पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से अपनी कलर उस एरिया का सेलेक्ट करना है, तो फिर वहां पर ऐसे ब्लैक कर देना, तो वैसे ही वहाँ वो कलर पड़ जाएगा। देखो स्किन बिल्कुल एकदम साफ हो गई है। यहाँ से अगर ये हमारा हमसे ये हमने जो रीटच किया है तो ज़्यादा हो गया, तो उसे हम यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर हम हमारे ब्रश की पेस्टी हमने से ज़्यादा हो गई तो ऐसे हम एकदम स्किन साफ कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, ये मैं लेयर को ऑफ कर देता हूँ, नीचे लेयर को। एक तरीका है सिंपली हमारे पास यहाँ होता है क्लोन स्टैम्प टूल, इसे लेकर वो यहाँ पर अल्ट प्रेस करके जिस एरिया हमने यहाँ से जैसे ये हटाना है ना, ये पिंपल, इस एरिया को अल्ट दबाकर क्लिक किया, माउस से लेफ्ट क्लिक किया, तो इस सर्कल पर ये हमारा क्लोन स्टैम्प टूल था, वो चीज़ कॉपी होगी। यहाँ पर क्लिक करके ये देखो ऊपर जब मैं लेकर आ रहा हूँ तो दिख रहा है कि कैसा आएगा, क्लिक कर देना है, पेस्ट हो जाना है। यहाँ से इस एरिया को उठा लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ से इसका एरिया उठाया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ हमने यहाँ वाला एरिया यहाँ नहीं पेच करना, देखो रंग का फर्क पड़ जाता है, तो उसके थोड़ा सा करीब वाला एरिया उठाकर वहाँ पेच कर देना है जो उससे मैच करता हो, ऐसे। ये देखो हम ऐसे भी रीटच कर सकते हैं। तो एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बैक आ जाता हूँ मैं। मैंने अब F12 प्रेस किया, F12 से क्या होगा, जो हमारी पिक्चर थी वो फिर से पूरी रीसेट हो गई, F12 से रिवर्ट हो जाती है। तो ये फोटो जो 2021 है, तो इसमें कई टूल यहाँ पर अपेयर नहीं होते, तो मैं क्या करता हूँ, जो मुझे टूल चाहिए मेरा, यह एडिट में जाकर टूल बार में जाकर, तो यहाँ से जो मुझे टूल चाहिए वो मैं यहाँ पर लेकर ड्रैग कर देता हूँ। ये काउंटेंट अवेयर है, पैच टूल है, हमने हमें पैच टूल चाहिए, तो हम मैं पैच टूल को ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म है जे, जे से लिया होता है, अगर मैं जे प्रेस करता हूँ तो ये देखो पैच टूल है। अब
अगर मैंने यहाँ से इस पिन पे उठाना है, उसे सिंपली सेलेक्ट कर देना है और उसे नीचे ड्रैग कर देना, उसके इर्द गिर्द तो कहीं भी। ये देखो ऐसे भी हम किसी का भी पिन पर साफ कर सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर किया था, तो थोड़ा पता लग रहा है कि कहीं और से उठाया हो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसी एरिया में उसी के नज़दीक कहीं भी उसे ड्रैग कर देना है। तो वैसे हम इसे रीटच कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर मेरी पिक्चर है, तो मैं यहाँ पर इस पिक्चर को जो ये वो तो गूगल से उठाई हुई थी, इस पिक्चर को करता हूँ। जैसे हमारी स्किन पर तो इतने ज़्यादा चलो नहीं होते इन पर, तो ये देखो ये थोड़े बहुत है, इसको हम बिल्कुल एकदम साफ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जो मैंने अब मैन्युअली बताया वैसे भी कर सकते हो, तो नहीं तो हम फिल्टर में जाकर रीटच, रीटच फॉर मी हील, तो वो पिक्चर के अकॉर्डिंग हाई रेजोल्यूशन, अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हाई रेजोल्यूशन करेंगे तो डीपली वो उसे कवर करेगा, तो पिक्चर के अकॉर्डिंग ये टाइम लगेगा। जितनी पिक्चर कम रेजोल्यूशन की ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, अगर हैवी हो तो ज़्यादा देर लगेगी। ये देखो रीटच हो गया, अप्लाई करता हूँ मैं, ये देखो स्किन स्मूथ हो गई है। ये देखो अगर और ज़्यादा करनी है तो हम फिल्टर में जाकर, ये प्लगइन में जाकर मैंने आपको बताया, इससे भी हम कर सकते हैं फाइन मीडियम, ये स्मूथिंग कितनी स्मूथ करनी है कितनी ज़्यादा करनी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ओके कर देता हूँ मैं, ये देखना ये देखो कितनी ज़्यादा हमारी स्किन बढ़िया होगी, स्मूथ होगी। तो ये देखो एक मैं आपको बात बता दूं कि अगर ऐसे करना है तो हमने क्या करना है, हमें अगर किसी जैसे ये हमारे मौका है, तिल पे ऊपर भी थोड़ा थोड़ा वो उसका आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, तो हमने क्या करना है, जो हमारी पिक्चर है कंट्रोल जे प्रेस करके डुप्लीकेट कर फिर उसे उसके ऊपर वो इफेक्ट लगाना है। तो फिर क्या होगा, जो हम पिछली पिक्चर है उसे रीसेट कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने अब इस पर लगा दिया, तो यहाँ से मैंने इसे हटाना है, तो इरेजर लेकर रेजर ये फर्स्ट वाली ले लेनी, उसके ऊपर ऐसे रेज कर देना है, ठीक है। जो आईब्रोज है थोड़ा बहुत आईब्रोज पर भी वो हो जाता है, तो उस पर भी वो रेज कर देना जहाँ जहाँ ब्लैक ब्लैक है। देखो बिल्कुल क्लियर होती जा रही है यहाँ से, यहाँ पर जहाँ हमें वो इफेक्ट नहीं चाहिए वहाँ वहाँ से हमने रेज कर देना है। सो थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, तो कमेंट जरूर करना जो कैसी लगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।